Hi, this is Parbleen Kaur, psychologist at Amandeep Medicity. Today we have Dr. Jasleen Arora, child specialist with us. So today we're going to discuss about the impact of excessive screen usage in children. So ma'am, how do you see this current trend and exposure in children? See, screen time is any exposure to screen. Okay. It could be your TVs, your mobile phones, your computers, your laptops, your tabs. And it could be either active or passive. That means if a child is actively seeing himself or using the tab or mobile themselves, then we call it active screen usage. And in case there's a background TV going on or someone else is using it and the kids are co-watching it, then we call it passive watching. But the studies I've seen, they both have equal gross impact on the child's psychology and physical and mental health. So, सब तो एक बहुत बड़ी चीज यही देखी जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है ना तो बच्चों के विच इंटेलेक्चुअली प्लस फिजिकल ग्रोथ दोनों ही फर्क पै रही है यस और स्पेशली चाहे अपने कोई रील्स कंटेंट है वीडियोस ने वी हैव सो मच एक्सपोजर और अटेंशन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है कि हाँ एक चीज है 15 सेकंड्स के विच 13 सेकंड्स के विच यू आर गेटिंग इट और उस तो बाद यू गेट इजीली बोर्ड तो एक चीज पे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही ए बहुत प्रॉब्लम आ रही है प्लस क्यूरियोसिटी फैक्टर नहीं होता जो साढ़े बचपन के विच होता सीगा डेफिनेटली जो न्यूबॉर्न तो ही आप स्टार्ट कर देते हैं बच्चे नू वीडियोस दिखाना चलो चार दिन में मानती है कि साड़ी दादी नानी कह देती है कि प्लीज फोन ना यूज करो तो आई थिंक फर्स्ट 40 डेज शायद बेबीज का एक्सपोजर नहीं होता होना बट आई एम वेरी श्योर बड़ी सारी न्यू मदर्स अजे भी रील्स बनाती है वाओ अ न्यूबॉर्न हैज कम इनटू माय लाइफ ते आपा उस जो टाइम से जो न्यूबॉर्न बॉन्डिंग करनी सी जो अपने बच्चे टाइम स्पेंड करना सी जब चलो बच्चा सुता हुआ सी अपनी बॉडी नू रेस्ट देना सी वी आर नॉट एबल टू गिव दैट तो वी स्टार्टिंग द इंपैक्ट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ ते उस तो बाद आपा की कहने कि आपा बच्चे इमोशनल लैग हो रहा है जो जो बच्चा वड्डा हुंदा है आपा हुन राइम सिखानी बच्चे नू 1-2-3 सिखानियां ने बच्चा राइम सुनदा है बार बार शब्द सुन रहा है बच्चा साडी इमोशनल नू ते साडी लैंग्वेज नू नहीं ग्रैस्प कर रहा जे आपा सपोज करो एक मदर पोइम सुनाए जे क्राइम सुनाए जे शब्द ही गा के सुनाए वी वांट योर बेबी टू बी रिलीजियस आल्सो ते जेड़ा इमोशनल ते सोशल कनेक्ट जेड़े बच्चे च हैगा वो नहीं हैगा वी आर गिविंग हार्म फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ जिदा जिदा बच्चा वधदा है कहते कि स्कूल च हुण स्क्रीन्स हैगियां ने ड्यू टू लॉकडाउन क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही ने एक नेसेसिटी बन गई नेसेसिटी बन गई प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही ने बट यही है कि उस नु किस वे ते विच यूज करना है कि ठीक है यूज करना अगर फायदे ली है पर जो एक्सेसिव हो जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है और असि जो लॉकडाउन चलीए तो बहुत सारी कंप्लेन्ट्स मेरे को स्कूल के बच्चों की आई है कि अगर इंटेलेक्चुअली दे आर नॉट ग्रोइंग डेफिनेटली फिजिकली भी इन्ना इन्हों ने एक्सपोजर नहीं मिले जो स्कूल दे विच सीगा और क्योंकि बच्चे इनिशिएशन वीक हैगे कि उन्हें इनिशिएशन डाउन हो रही है प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है आई टेल यू कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा दे नहीं जिन्हें लगता है कि जो बच्चा बोल नहीं रहा जो लेट बोल रहा है इट्स बिकॉज वी आर नॉट गिविंग स्टिमुलेशन देखो जो तो स्क्रीन बोल दी आप इंटरेक्ट नहीं करते ना ही आप बच्चे नू आप प्रमोट कर दे या प्रॉम्प्ट कर दे बच्चा रिपीट करे बेबी माइट बी लर्निंग माइट नॉट बी लर्निंग रिसेप्टिव लैंग्वेज भी खराब हुई जो आप बच्चे गल ही नहीं कर रहे जो स्क्रीन ने आपको कहना ही नहीं बेटा दस आंसर की है यूर प्रोडक्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इवन द स्क्रीन इवन अगर उतो बोल भी रहा है आइदर योर किड इज रिस्पॉन्सिंग और नॉट वो सारा कुछ है कि ओके बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ नाउ एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ऑनलाइन क्लासेस पर ओदे नाल ए भी है कि वंस यू शट दीज क्लासेस यू सिट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स यू डिस्कस देम यस दैट इज द इंटरेक्टिव स्क्रीन टाइम बिल्कुल एंड दैट इज यूजिंग a technology in a positive way or a productive way collecting your thoughts organizing in words and ode naal to say healthy communication skills we sikh rahe ho na is ke liye dono cheeze ne nu naal leke chalni hai for your healthy growth dekho eh te sadu sare nu pata hai ki screens are here to stick it is becoming part and parcel of our education our life our habits in every day problem kithe aandi hai differentiating between a healthy habit and unhealthy habit yes the focus sada as parents any hona chahida ki apa screen band kar diye apa technology nu apne fayde waste kidda use karni hai so I think the focus should be on that and je apa technology nu apne fayde waste use kar sake then science is marvelous
ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡੂ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਫੋਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਦੇ ਨਾਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਸੇ ਡੂ ਐਸ ਆਈ ਡੂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੈਸ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਕਿਡਸ ਟੂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਯੂ ਕਿਡਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੀਸ ਡੇਜ਼